देवा 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 सुन तो, देवा देवा मेरी 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 बात तो सुन। क्या सुनूं? एक बार तो सुन ले आकाश। देख मुझे नौकरी छोड़ने का कोई गम नहीं, कितना शर्मिंदा होना पड़ता था मुझे। मेरा बड़ा भाई एक बड़ी कंपनी में बड़ा ऑफिसर और मैं एक मिल में। क्या मैंने इसीलिए पढ़ाई लिखाई की थी? दिन रात इसीलिए मरता था मैं? देवा मैं मानता हूँ कि ये काम तेरे लायक नहीं था, लेकिन आदमी को जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। नहीं आकाश, मैं सिर्फ जीने के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो लोग मुझे पसंद नहीं मैं वहाँ काम नहीं कर सकता। तू उस नौकरी में जीने की बात करता है? ये देख 1300 की नौकरी में ऐसे ही जिया जाता है। देवा देवा तूने जूता क्यों फेंक दिया? देवा देख नंगे पाँव तुम्हें लग जाएगी। देवा देवा मेरी बात तो सुन। देवा देवा तूने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तेरे जूते फट गए? देख मुझे अगली तनख्वाह मिलेगी ना, सबसे पहले मैं तेरे लिए नए जूते खरीदूंगा, पहन ले। नहीं तो लोग कहेंगे एक बड़ी कंपनी के सीनियर सुपरवाइजर का भाई नंगे पैर चल रहा है। छोड़ दी तो इसने ये नौकरी भी छोड़ दी। मेरी समझ में नहीं आता ये चाहता क्या है। अब छोड़िए ना। आखिर क्या परेशानी थी तुम्हें वहां? वो काम ठीक नहीं लग रहा था मुझे, मेरा मन नहीं लगता था। सुना, इन्हें काम वो चाहिए जिसमें इनका मन लगे। इतनी मुश्किल से पहचान निकालकर मैंने सूरजमल जी से बात की थी, बड़ी मुश्किल से मनाया था उन्हें। और आजकल ऐसी नौकरियों के लिए भी हजारों लोग लाइन में खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि इनका मन नहीं लगता। मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी। क्या इसी नौकरी के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाई की थी? क्या फायदा है इन डिग्रियों का? तो तुम चाहते क्या हो? जब तक कोई बड़ा काम नहीं मिलेगा तब तक घर पर बेकार बैठे रहोगे? बस भी कीजिए, इसे खाना तो खाने दीजिए। तुम चुप रहो। किसी भी नौकरी में एक पल भी टिककर काम नहीं करता ये। कहीं इसको काम ठीक नहीं लगता और कहीं जनाब का मन नहीं लगता। हद होती है हर बात की। देवा देवा देखा इसकी अकड़ देख। इसका मतलब यह है कि जो करना चाहे से करने दो, बस कोई टोकने वाला नहीं होना चाहिए। क्या बात है भाई, पटाखे किस खुशी में जला रहे हो? ए, तेरे को मालूम नहीं क्या, इंडिया मैच हार गई है। अपन पूरे 5000 रुपए जीते ले बाप। जिस देश में पल रहे हो, जिस देश की रोटियां खाते हो, उस देश की हार की खुशियां मनाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? लो एक और गांधी जी आ गए। ए, चल फूट ले इधर से, ये फूटेगा ना तेरा मुंह भी काला हो जाएगा। चल फूट ले। चल भैया भैया चलो ना। ए, चल 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 सियाने चल। आकाश गुड्डी को लेकर घर जाओ। चलो चलो। क्यों बे? मेरे भाई का मुंह काला करेगा तू। बाबूजी गलती उन लोगों की थी, पहले उसने मुझे हाथ लगाया उसके बाद। और उसके बाद इन्होंने अपनी गुंडागर्दी दिखा दी, उन्हें पकड़ कर पीटना शुरू कर दिया। मैं पूछता हूँ क्या फर्क है उन मवालियों में और इसमें? हाँ हाँ मैंने मारा उन्हें, अगर वो भाग नहीं जाते तो उनके हाथ पैर तोड़ देता। देवा किस तरह बात कर रहे तू? मुझे बोलने दे माँ। मेरे भाई को कोई गाली दे उस पर हाथ उठाए मैं खड़ा तमाशा देखता रहूं? तुम समझते क्या हो अपने आप को? किसी के भी हाथ पांव तोड़ दोगे तुम और ये सब करके परेशानी में किसे डालोगे? हमें ही ना। मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहता बाबूजी, मगर बुजदिलों की तरह जी भी नहीं सकता। बुराई को देखकर मुंह नहीं मोड़ सकता मैं। मैं फिर से कहता हूं कि मैंने वहां जो भी किया ठीक किया, गलत नहीं किया। आप भी उसकी हर बात पे नाराज हो जाते हैं, अब इस उम्र में इतना कोई झुक के भी तो नहीं चल सकता। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैं नहीं गुजरा इस उम्र से, ये नहीं गुजरा। जवानी का ये मतलब नहीं कि आदमी आगे पीछे का सोचना बंद कर दे। चलो खाना दो मुझे। देवा जिस तरह से उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था मैं तो डर ही गया था यार। क्या आकाश, 8-10 थे वो और गुड्डी भी तो मेरे साथ थी। ऐसे लोग कागजी शेर होते हैं, कोई दम नहीं होता इनमें, एक मारो तो भाग जाते हैं। तू हंस क्यों रहा है? उसने कहा ना तुझे कि तू दूसरा गांधी है। गांधी पता है कितनी बड़ी हस्ती थी? आज की ताजा खबर, बाबूजी कमरे में चले गए हैं। खाना खा लो, खाना खा लो। चलो हाँ यहाँ रखते हैं। वैसे भैया कुछ भी हो
पूरे मोहल्ले में चर्चे हैं आपके। आज आपने जिस तरह से उन लोगों की पिटाई की, एक इधर से एक उधर से, वाह भाई वाह। अब तो लोग जान गए कि गुड्डी का भाई भी कुछ है। चल अब बस कर, तेरी ये तारीफ का पुल अगर बाबूजी ने सुन लिया ना तो क्या, इसे डांट पड़ेगी, ये नाराज हो जाएगी, फिर खाने की थाली इसके कमरे में मैं लेके जाऊंगा। सुन रही हूँ आंसी। मुझे कभी कभी देवा पर आपका इतना गुस्सा करना ठीक नहीं लगता। मैं ये नहीं कहती कि उसे बहुत छूट दे देनी चाहिए, लेकिन तुम्हें क्या लगता मैं प्यार नहीं करता उससे? तुम्हारी बेटी जो चोरी चोरी खाना खिलाती है ना उसे, वो थाली मैं ही लगाता हूँ। क्या जी? प्यार का मतलब ये नहीं कि उसकी गलतियों और हरकतों पर नजर न रखो। गायत्री, एक गलत कदम उठ जाए तो फिर जिंदगी भर पछताना पड़ता है। वैसे भी मुझे उसके गुस्सैल स्वभाव से डर लगता है। लो, तुम्हारे जिद्दी लड़के के सड़क पर जाने का सिग्नल आ गया। इसे क्या हुआ? गुड्डी, गुड्डी, अरे तू रो क्यों रही है? ओ, सिर्फ रोएगी या कुछ बताएगी भी? माँ, आज उस विलास ने फिर से मुझे। विलास ने फिर से क्या? भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। देवा, पागल होगी क्या? उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब वो क्या कर बैठेगा। लेकिन माँ, मैं भी क्या करती? तो चल मेरे साथ। देवा, देवा रुक, रुक बेटा, रुक। रुक जा देवा, देवा रुक। भैया मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। हमें इधर से बाहर आने के लिए। हम विलास को सुनिए। भैया, प्लीज, भैया बात तो सुनो। देवा रुक जा। माँ, भैया रुक जा। भैया क्या कर रहे हो? रुक जा। चल लग गए यार मिंडी, पैसा निकाल, पैसा निकाल, निकाल निकाल निकाल। भैया, आज उसने फिर मेरा रास्ता रोका। मैंने जब उसे मना किया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन तुम लोगों को तो समझ में नहीं आता था उस वक्त जब मैं देवा को लेकर झगड़े करता था। दुश्मन लगता था तुम लोगों को मैं देवा का,
पता नहीं अंदर ही अंदर क्या पाप पाल रहा था, क्या कमी रह गई थी मुझसे उसकी परवरिश में। नहीं बाबूजी, बाबूजी विलास तो मेरा भाई था ना, मगर गुड्डी की इज्जत पर हाथ डालकर उसने जितना बड़ा पाप किया ना, देवा ने उतनी बड़ी सजा नहीं दी उसे। अरे देवा क्या कोई भी भाई अब बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उसकी बहन के साथ। बाबूजी शर्मनाक वो नहीं जो देवा ने किया, शर्मनाक वो है जो मेरे भाई ने किया, मेरे खुद ने। इतना इतना प्यार मुझे मिला है इस घर से, कभी पराया होने का एहसास नहीं दिया। ताजेरात हिंद दफा 307 के तहत यह अदालत मुजरिम देवा को 4 साल की सजा सुनाती है। तू फिक्र नहीं करना, मैं बाबूजी को मनाऊंगा, हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। तू बिल्कुल एकाश क्या कर रहा तू? देख मुझे भी रुलाएगा आकाश।